Janice, do you believe in ghost? Yes, I believe in ghosts. और मुझे डर भी लगता है. Have you seen one? No, and I don't also want to see one ever. Shobhit, have you seen ghosts? No. Do you believe in ghosts? No. Positive and negative energy, there is no ghost. शाबाश. यू नो, जब मैं छोटा बच्चा था ना, मुझे भूतों से बहुत डर लगता था, स्पेशली अकेले में सोने से. एज आई ग्रू ओल्ड, डर एकदम खत्म हो गया, बिकॉज 6 साल मैं अकेला रहा था और भूतों पे मेरा विश्वास तो एकदम नाके बराबर हो गया. एज शोबित सेड, देयर इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव एनर्जी. इस बात पे मैं कंप्लीट बिलीव करता हूँ. लेकिन कुछ दिन पहले मैं अपने दोस्त सोरन बाजी से चैट कर रहा था और उन्होंने कुछ अनयूजुअल एक्टिविटीज़ के बारे में बात किया. वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन. आज का वीडियो थोड़ा अबनॉर्मल और पैरानॉर्मल हो सकता है. लेट्स सी हाउ द नाइट प्रोग्रेस. चलो, हम यहाँ पर भी और वहाँ पे कोई निकल ना जाए, वरना हम यहाँ पर भी नहीं आ पाएंगे वापस. डोर ओपनिंग. आगे अभी कहाँ जाना? ये रहे. टिक 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 की आवाज आ रही है, वहाँ फट गया भाई. ओहो, क्या हवा थी, एसी की जरूरत ही नहीं इस घर में. क्या क्या आ रहा है यहाँ? अब सामने वाले घर चल के देखो. क्यों देखो तो सही. तो वो जो हो रहा है वो ये घर में हो रहा है कि वो घर में हो रहा है? ये हो रहा है, इफेक्ट वहाँ से भी आ रहा है. इफेक्ट वहाँ से भी आ रहा है. कुछ तो गड़बड़े दे रहा है, कुछ तो गड़बड़े हो रही थी ऐसे मेरी फटी. मतलब क्या हो रहा है, बाद में देखो इधर से आवाज आ रही है. मुझे पता नहीं आप लोगों को समझ रहा है कि नहीं, बट यहाँ से बहुत तेज हवा आ रही है और एकदम अंधेरा. यहाँ पर लाइट नहीं है? ओह, व्यू तो देखो बॉस, पूरा मुंबई दिख रहा है ऐसा लगता है. नाइस. इसके पीछे पवई है बेसिकली. एंड आई जस्ट रियलाइज सोरन बाजी ने हमारा हुडी भी पहना है और टी शर्ट भी. क्या बात है. आई थिंक आई शुड बी द ब्रांड एंबेसडर. बस अपनी सारी बाइक्स में हुडी पहन के फोटो निकाल लो. मैं तो लग रहा है कि सारे बड़े लोग इंडिया के ही पहनने वाले हैं. अंबानी साहब कब पहन रहे हो? अंबानी साहब वीडियो नहीं देखते सर, गारंटी देख रहे हैं, क्योंकि हर आदमी चाहता है ऐसी लाइफ जीना. 100%. और यहाँ से व्यू तो कुछ और ही है. कुछ ज्यादा ही बेटर व्यू है यहाँ से. सी फेस कहाँ पर है ये भाई? दिन में आओगे ना ऐसे पूरा आपको सी दिखेगा. तो दिन में आना बढ़िया लगता है? वो दिन में भूत नहीं दिखेगा, रात में दिखेगा 11 के बाद. अच्छा, ऐसा है. मुझे नहीं पता था भूतों की भी शिफ्ट होती है यार. तो शिफ्ट चालू हुई कि नहीं हुई? 12:30 हो गए. अभी आई थी आवाज. अभी आई थी. चलो देखते कहाँ से आ रही है आवाज, बताओ. तो यहाँ से आवाज आती है? किस तरह की आवाज आती है? आप देखो तो सही. धप 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 धप. अभी तो नहीं आई. नहीं नहीं अभी आएगी. कोई है क्या? कितनी जोर से आती है? अरे ये तो कुछ नहीं है. उधर बैठे ये तो कुछ नहीं है. क्या बात कर रहे हो? 6-7 टाइम ज्यादा आती है. मतलब ये तो कोई क्रैक भी आ गया दीवार में. हां ये देखो, वो देख रहा हूं मैं. इसके पीछे की लिफ्ट तो नहीं है? नहीं कुछ भी नहीं. क्या है इसके पीछे? इसके पीछे क्या बैंक है? आप मानोगे नहीं, जैसे मैंने कैमरा बंद किया वैसे दो बार यहां से आवाज आई, ऐसे ऐसे आवाज आई. बट अभी जैसे कैमरा चालू किया आवाज नहीं आ रही. तो दैट वाज स्कैरी यार, मेरी पड़ गई एक्चुअली. झूठ क्यों बोलूंगा, रोंगटे खड़े हो गए मेरे. कितनी बार आती है रात में? चालू रहती है तो 3 बजे बंद हो जाती है. दीवार के पीछे कुछ ऐसा दिखता है, प्रॉब्ली पाइप से आवाज आ सकती है. काफी लोगों ने मुझे बोला था कि जब पाइप हिलते हैं तो उसकी आवाज आती है, लेकिन गैप काफी है. एंड एज यू कैन सी कि ये दीवार ऐसी है और ये डुब 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 आवाज ऐसी बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए. और शोभित जो है फ्लश फ्लश करके पूरा ट्राई कर रहा है और ये जो पाइप जो है हल्के हल्के हिल रहे हैं. लेकिन शोभित डुब 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 आवाज क्यों आ रही है? ऊपर से पाइप टकरा रहे हैं. जब मैंने खोला इसको, जब आवाज आई थी तो ऊपर पाइप टकरा रहा है, लेफ्ट वाला जो 1 2 3 4 5. लेकिन डुब 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 क्यों टकरा रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, अरे तो ऐसे लग रहा है कोई दीवार में मार रहा है. पहले मुझे भी लगा पाइप की है, लेकिन ये क्या है, जैसे कोई हाथ से मारा. अभी मेरा हाथ से मारा, राइट? तो शोभित तेरी थ्योरी क्या बता? मेरी थ्योरी है कि जो पाइप्स हैं वो पाइप्स से टकरा रहे हैं और इको हो रही है आवाज, और उस आवाज इको हो रही है तो आपको ऐसा लग रहा है कोई इसे थम दम दम मार रहा है. लेकिन अगर इको हो रही है आवाज तो ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई दीवार में मार रहा है? एक वैक्यूम क्रिएट होता है तो उससे जो पाइप है वो ऐसे हो रहे हैं. लेकिन ऐसा तो पाइप की आवाज आनी चाहिए, ढप ढप ढप, राइट? ढप ढप ढप. फिलहाल तो नो एक्शन डिटेक्टेड करके हम लोग कॉफी पी रहे हैं. बहुत कुछ करने का सोच रहे कि आईफोन को रिकॉर्डिंग में डाल के छोड़ देते, लेकिन फिर ऑडियो क्लियरली नहीं आएगा. इसको चालू करूंगा तो मेमोरी कार्ड फट से फुल हो जाएगा. और बिल्डिंग का नाम मुझे पता है बहुत लोग जानना चाहते हैं, मैं बिल्डिंग का नाम नहीं रिवील कर सकता बिकॉज ये अच्छी चीज़ नहीं होगी, नेगेटिव पब्लिसिटी हो जाएगी. और किसी का घर है तो वो सब बात नहीं कर सकते. और इतना खूबसूरत व्यू है तो इतने खूबसूरत व्यू के लिए जस्टिस बिल्कुल भी नहीं होगा. क्या सर, 2:30 बजने को आया, कुछ आवाज़ नहीं. पिछले 2 घंटे से इधर ही बैठा हूँ, एक ही ब्लैक कॉफी पी रहा हूँ, बार 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 कुछ आवाज नहीं. क्या हुआ डोनी पाजी, आप बोल रहे थे आवाज आएगी? रेगुलर आवाज आती है, वीजी को ही पता. आई वोंट लाई, बीच में आवाज आई थी हल्की सी, उसके बाद से तो आवाज ही नहीं आ रही. पता नहीं क्या हम लोगों ने पूरी थ्योरी लगा दी कि वाइब्रेशन हो रहा होगा, 51st फ्लोर है तो कुछ भी हो सकता है. शोभित ने अपनी थ्योरी लगाई, सब फेल है थ्योरी. सो एट द एंड अभी कुछ भी मत कर शोभित.
हम लोग वैसे वाले नहीं है जो अपने दोस्त को बोलेंगे आवाज करो फिर डरेंगे, देखो जो है वो है, कुछ नहीं हो रहा है तो कुछ नहीं हो रहा है। सो फॉर सो गुड, अगर कभी फ्यूचर में होगा, फ्यूचर में आगे कभी बैठेंगे गप्पे गप्पे मारेंगे, अच्छे टाइम लैप्स दिखा लेंगे, अगर उस वक्त होगा तो दिखा देंगे, फिलहाल तो हम लोग सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे और मैं एक फ्लोर में जाके छुप गया। सो वापस नीचे आने के बाद फोन आया कि ऊपर से आवाज आ रही है, तो हम लोग वापस जा रहे हैं देखने के लिए आवाज वाकई में आ रही है कि नहीं आ रही है। क्या लगता है आपको? तीन बार आई अभी बोल रहे फोन आया। पूरा 51st फ्लोर से नीचे चल के उतारा और जैसे ही बाहर जाने लगे आवाज आई। फर्स्ट फ्लोर हां 55th फ्लोर से उतर रहे थे हम लोग। हां 3:06 में वाइब्रेशन है, कान लगा धम्मा मां नगर खुद को कुछ है अलग तरह की वाइब्रेशन। वहां जाओ, चलो चलो जाओ जाओ, देखो खोलो खोलो, इज नथिंग, देयर इज नथिंग, कुछ नहीं। आवाज सुनी आपने? रिकॉर्डिंग सुनी? हाँ रिकॉर्डिंग आई। आई ना? आई फाइनली, एक घंटा खड़ा था इधर तभी आई। हाथ मारने वाली है ना? अच्छा, कैन एनीवन एक्सप्लेन दिस, ये क्यों हो रहा है? मेरे पूरे गूज़बम्स खड़े हो गए हैं। और एक बात बोलो, आने के पहले ना एक वाइब्रेशन फील होती है कि कुछ कोई ऐसा ऐसा आ रहा है और फिर धुप 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 मार रहा है। सब कुछ लिया ना भाई? सब ले लिया, बाद में टाइम नहीं मिलेगा। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा, इस वीडियो के थ्रू मैं कुछ भी नेगेटिविटी प्रमोट करने की कोशिश नहीं कर रहा, ये बताने की कोशिश नहीं कर रहा कि अ गोस्ट एग्जिस्ट, एंड दिस वाज डेफिनेटली नॉट अ स्क्रिप्टेड ब्लॉग। अगर आप मुझे फॉलो करो आपको पता है ये सब चीज़ मैं बिल्कुल भी नहीं दिखाता। कुछ दिन पहले सोरन पाजी से मेरी चैट हुई थी रात के 3:00, उन्होंने बोला टोनी पाजी के घर में कुछ आवाज़ आ रही है, मैंने आप लोगों को बताया कवर करो कि नहीं करो, आपने बोला कवर करो, इसलिए मैंने गया, जो भी हुआ जैसा भी हुआ मैंने दिखा दिया। फिलहाल बज रहे सुबह के 5:30, हम लोग की फ्लाइट है 7:45 को, और सुबह की फ्लाइट लेके तो क्या जरूरत है, दिल्ली जा रहे हैं हम लोग बाय द वे। हाँ, लेकिन हमने इसलिए सुबह की फ्लाइट ली है, 5,000 रुपए भरा है, तो नहीं सोगे तो कहाँ सोगे? सीधा सीधा बोलना, दोपहर की फ्लाइट में सुबह की फ्लाइट में 500 रुपए का बचत हो रही थी इसलिए लिया। अगर दोपहर में 4 बजे की भी लेता ना शाम को तो भी आप नहीं उठने वाले। अगर बिना सोए जाएंगे तो इतनी बड़ी एक्साइटमेंट है, कैसे खुशी दिखेगी हमारे में? बड़ी एक्साइटमेंट है कि 2 दिन भी नहीं सोएंगे तो भी एक्साइटेड होंगे। और तू कौन सा ब्रांड की टोपी पहना रहा है? चेंज होने वाला बहुत जल्द। चलो लेट हो जाएगा, फ्लाइट छूट जाएगी अपनी, फिर वापस भरना पड़ेगा। चलो ऐसे लग रहा है हॉलीडे पे जा रहे हैं। ट्रेन ज्यादा आ रही है, सोए नहीं है लेकिन कॉफी तो पीने वाले बॉस। बोर्डेड, क्या सीट चुनी है शोभित ने, अच्छी सीट नहीं मिली तेरे को? फास्ट पास एग्जिट, फास्ट पास एंट्री, प्रॉपर क्वेश्चन है, कुछ गलत हो गया इसके साथ? नहीं, कार्डबोर्ड लगा है पीछे, अगर मैं थोड़ी तेज से कर दूं टूट के बिल्कुल रिक्लाइनर हो जाएगी। इतने पैसे में इतना ही मिलेगा, तोड़ना नहीं, इस पे भी चार्ज मारेंगे तुम्हें। अच्छा, इकोनॉमी में बिजनेस क्लास का मतलब लाइफ में कम पैसा कमाने की सजा है। आ गए, बहुत टर्बुलेंस था यार, मैं सो गया। मैं भी सोया एक घंटा, और शोभित फ्लाइट के अंदर ही ओला उबर बुला रहा है, क्यों, किस खुशी में? एक एक मिनट दिखाता है अराइवल, लेकिन एक मिनट में आता नहीं, 15-15 मिनट लगते हैं। ठंडा है यार दिल्ली बहुत। Hazardous. मुंबई में दिवाली के टाइम पे आया था हजार्डस वेदर, वैसे रहता है अनहेल्दी, क्लाउडी, रेनी, दिल्ली में रहता है हजार्डस ऑल द टाइम। और अगर दिवाली के टाइम क्या आता है फिर? God bless you. Taking air in Delhi is injurious to health. तो यहाँ पर ओला में एक नया सिस्टम है, आप ओला बुक करो, कोई भी गाड़ी के पास जाओ और बस OTP दिखाओ, गाड़ी में बैठ जाओ। अच्छा चीज़ है यार। वही सीट थोड़ी आगे ले लो। नहीं हो पाएगी, बैठो बैठो, आओ, sharing is caring, बैठो। यार दिल्ली में पोल्यूशन बहुत है यार, क्लाइमेटाइजेशन करने को टाइम लगेगा। चलो होटल के अंदर चलते हैं। सही है,
बहुत गंदी वाली फटी पड़ी है बिकॉज हमने सोई नहीं ठीक से. राइट नाउ इट्स 12:20 इन द आफ्टरनून. पराठा ऑर्डर किया है, खाएंगे और सो जाएंगे. उसके उठने के बाद फिर हम जाएंगे जो सामान लेने आए हैं हम लोग दिल्ली में. सो आज के लिए इतना ही रखते हैं. इफ यू एंजॉयड दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन. एक्चुअली मुझे वीडियो कंटिन्यू करना था लेकिन कैसा है कि वो दो कंटेंट मिक्स हो जाएंगे ना, इसके लिए मैं इसको इतना ही रख रहा हूँ. और काफ़ी लोग मुझे लेबल MNK बैकपैक के बारे में बोल रहे हैं, तो दैट्स राइट, वी हैव अ बैकपैक, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. और मैंने ज़्यादा इसके बारे में बात नहीं किया, इट्स जस्ट अ बैग, क्या बात करो. लेकिन काफ़ी लोग बोल रहे हैं बात करो, तो शोभित अच्छे से समझाएगा. शोभित गो ऑन. ये इसमें बेसिकली क्या है यहाँ, और बाय द वे हमने 15 डिजाइन रिजेक्ट किए, उसके बाद ही सेलेक्ट हुआ है, तो ऐसा वैसा नहीं, काफी मेहनत की है. बॉस जो जिस रेंज में ये बैग है ना, गारंटी इस रेंज में कोई बैग नहीं है, भले ही वो लोकली क्यों ना. और जैसे ये है, ये पीछे दो खाने हैं इसमें, ये एक और ये दो, मेजर दो है. पीछे कंपार्टमेंट में स्लीव्स जो है लैपटॉप की, वो पीछे नहीं होके बीच में है ताकि ये सेफ रहे. 19 इंच तक का लैपटॉप आता है. दिस इज अ 15 इंच मैकबुक. आगे की तरफ ये जादू है सर, यहाँ पे एक अलग से एक सेक्शन है, यहाँ आप अपनी चीज़ें रख सकते हो, बॉटल वगैरह कुछ भी. अंदर पॉकेट्स हैं, इसमें आप चार्जर, पेंस, और ये जैसे किसी भी कॉमन ऑफिस बैग में होता है. यहाँ विजिटिंग कार्ड्स, और मेन बात चोर पॉकेट. ये एक चोर पॉकेट है जो लोगों ने खरीद लिया, उनको भी नहीं पता होगा, चाहे पैसे रख लो या लड़कों के लिए कुछ और रख लो. और एक आगे का है, ये एक पॉकेट आगे का है, ये यहाँ पे काफी अच्छा स्पेस है, एक बॉटल स्पेस हो जाता है, और एक पॉकेट और है जो ये चेंज रखने के लिए. लेबल 11 का लोगो, हर चेन में कस्टमाइज लेबल 11 का लोगो. इसका पीछे वाला जो सेक्शन है वो भी एंटी थेफ्ट है, ऐसे बोल सकते हैं इसको, कि जैसे अपन क्लोज करते हैं इट कवर्स द चेन, और वाटर रेजिस्टेंट है. प्रूफ नहीं है, पानी में डुबा नहीं सकते, हल्की हल्की बारिश हुई तो पानी अंदर नहीं जाएगा. सो इफ यू एंजॉयड दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन. नए हो सब्सक्राइब करो, और नेक्स्ट वीडियो देखना बिल्कुल भी नहीं भूलना. और लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो फॉर द बैग. सो विद दैट सेड, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एज ऑलवेज. शुक्रान, अलविदा, मा सलामा, टेक केयर एंड डू व्हाटएवर यू वांट. आई लव यू फ्रेंड्स, सी यू टुमारो, बाय बाय, एंजॉय योर लवली डे. आप ओला बुक करो, कोई भी गाड़ी के पास जाओ और बस OTP दिखाओ, गाड़ी में बैठ जाओ.